क्या बोलती पब्लिक? खून से बिहारी बहे साथ में बिहार, पढ़ाई पे है ध्यान नहीं, फिर भी देखो गाड़ा में घर शेर के खाल भैया छिपे गए की दर्दी के। मेरी खुश नसीबी है कि भाई यहाँ पर हमसे मुलाकात करने के लिए आए। अरे नहीं है। मेरे सामने वाले ये चांद सा रोशन चेहरा, पर्चे का मोहताज नहीं है, सही भी हमारे मतलब बिहार एक्सप्लोर करने का मन हुआ कि बिहार को भी दिखाया जाए लोगों को। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पटना के एनआईटी घाट और कुछ इस तरह का माहौल है भाई। काफी अच्छा लग रहा है, मतलब फर्स्ट मीटअप में कुछ ऐसा हो गया यार, सीरियसली भाई इस तरह से कुछ स्वागत हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। सुबह सुबह के टाइम एनआईटी घाट पर बहुत ही एक अलग सा भाई, यहाँ पे जिशान भाई भी आ गए, मैम भी है, हाय कर दीजिए। ये फर्स्ट मीटअप है, तो फर्स्ट मीटअप कुछ इस तरह से होगा, मुझे ये पता नहीं था। काफ़ी अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो गई यहाँ पे और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भाई बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दूर दूर से आया, सीरियसली इतना सारा प्यार मुझे यकीन नहीं था कि इतने लोग यहाँ पर पहुँचेंगे फर्स्ट मीटअप के दिन, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। शुभम भी यहाँ पर आ गया है और शुभम तो काफ़ी दूर, सभी लोग हैं और धीरे धीरे अभी कारवां बढ़ रहा है और भीड़ भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। गुल भैया साथ में जो ये सारा कुछ माहौल बनाने के पीछे जिम्मेदारी यही है, अभी थोड़ी देर बाद आपको बहुत सारी मस्ती मिलने वाली, क्यों? एकदम जरूर। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि ये सुबह सुबह वाली वाइब है ना, गंगा किनारे वाली, ये आपको कहीं और नहीं मिलने वाली, क्यों? सबसे पहले तो भैया को कांग्रेचुलेशन 200K हुआ, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत। और आज इनका फर्स्ट मीटअप, और ये मीटअप भी हो गया 200K वाला, 200K वाला बस, और साथ में 10K हिसाब है। हां 10K हिसाब है, 10K। ब्लॉगिंग आई थिंक एक पैशन है जिसको आप फॉलो करते हैं और उस पैशन को लोग अगर पसंद करते हैं तो फिर आप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बात, तो आपको मीटअप रखने के बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपको खोजने के लिए मतलब कितना प्रयास किए, मतलब कि जहाँ आप जाते थे वहाँ से पहले हम पहुँच के रहते थे कि आपसे हम मिल लेंगे, लेकिन आप मिल ही नहीं पाए। भाई देखिए मेरी खुश नसीबी है कि भाई यहाँ पर हमसे मुलाकात करने के लिए आए, लेकिन रियली मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप मीटअप जो रखे ना बहुत खुशी मिला था। और कल रात में 12 बजे के लमसम में जब स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखा कि अरे मीटअप, इतना ज़्यादा खुश हुआ, उसको फ़ोन किया उसी टाइम में कि भाई सुबह में जगना है किसी भी हाल में जगना। मतलब ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि सुबह में जगना है, क्योंकि होता ये है ना कि 4-5 बजे तक तो एडिट करता है इंसान, उसके बाद फिर सोता है, तो बहुत अच्छा लगा भैया आपका सीरियस भाई। ये मेरे चैनल के थोड़ा सा, बिल्कुल, आपका कौन सा चैनल है? गौतम फैमिली ब्लॉग। गौतम फैमिली ब्लॉग, भाई के चैनल को सपोर्ट करिए यार, भाई के चैनल में भी शॉर्ट आउट है और मेरे चैनल में भी शॉर्ट आउट है, गौतम फैमिली ब्लॉग को सपोर्ट करिए और लिटरली आप बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि भाई यहाँ तक चल करके आया। ये रियलिटी है, ये आपका मेहनत दिल के बहुत अच्छा लगा, मुझे नहीं पता था कि मैं आऊँगा और मुझे रैंडमली ऐसे मुलाकात हो जाएगी। मैंने सोचा था कि मीटअप रखूंगा लेकिन इतना ज्यादा भावुक हो जाएगा ये नहीं समझ में आया था। पटना को काफ़ी अच्छा एक्सप्लोर करते हैं और काफ़ी इनके वीडियो में एंटरटेनमेंट होता है। सर कैसा लगा सर आज मीटअप, मतलब हम लोग किए आपसे अच्छा लग रहा है, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए भीड़ भीड़ कितनी ज़्यादा हो गई, काफ़ी मतलब देख सकते हैं इस साइड भी भीड़ है, इस साइड भी भीड़ है, मतलब अच्छा काफ़ी मज़ा आया। तो सबसे पहला कमेंट सर मेरा ही था उसमें एक एक्सट्रीम रोड करके कि सर मॉर्निंग 6 AM ना, तो आपने उस पर शायद जवाब भी 20 मिनट में दे दिया था, हम करके कोशिश करता हूँ कि जवाब दे दिया करो यार, क्योंकि भाई लोग गुस्सा हो जाते हैं। काफ़ी अच्छा लगा, चलिए सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत शुक्रिया। ये मेरी खुशनसीबी है मैम, तो दूसरी बार मुलाकात हो रही है मेरी, देखिए मुझे याद है, भूलिएगा मत, एक बार हम लोग मिल गए थे ज्ञान भवन में, आज दोबारा से मुलाकात हो रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, थैंक यू। हम इनके सारे वीडियोस देखते हैं और इनके वीडियोस से हमें पता चलता है, और मैम काफ़ी अच्छा अच्छा खाना बनाती है, तो कौन आए हैं साहब लिया तो खाना भी खा के जाएंगे जरूर जरूर। और इनकी वाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी लगती है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वाइफ को लेके हमारे घर, देखिए ऐसा है ना कि मेरे हाथ का खाना खाइए जरूर जरूर। तो देखिए अक्सर कुछ ऐसा चीज देखने को मिल जाता है, एक मुर्गी है, एक मुर्गी से बात कर रही, कैसे होता है वो? आदमी और जानवर में अंतर खाली कोची के है, डिब्बा के, डिब्बा के, सही बात है, जो डिब्बा है
डिब्बा के अंदर ही डिब्बा नहीं है जानवर के पास, हमने पास है तो हमने सब बुद्धि बतिया रही, कैमरा लेके घूम रही है बिल्कुल ठीक नहीं। मुर्गा तो कर नहीं सकले, थोड़ा कोई दूसरा को कर देता है, देखते लड़ाई झगड़ा करते रहता है, खाना के चलते लड़ाई करता है, तो कभी पटका पटकी कोई चीजवा के लिए तो वो ओकरे में आवाज दे दिलियो कि एगो लड़ रहे। तो सबसे वायरल वीडियो फिर से एक बार रिपीट कर भाई बोला मुर्गी चाची गोल लगाइयो, तो उसमें बंदर रहता है वो मुर्गी को परेशान कर ले रहता है पूरा एकदम अजीले रहता है, मुर्गी चाची गोल लगाइयो मन करे तो हर जोर लगाइयो, कहेगा हाजी पगलेवा हमारा था दिमाग खराब करवा तू हमार। तो फिर से एक डायलॉग बोलता है वो याद नहीं हो हमारा। तो अभी यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो गए, तो सोशल मीडिया डे है आज, तो सोशल मीडिया के जितने भी कीड़े हैं ना वो इधर ही हैं, तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं काफी, आई होप आप लोग भी वीडियो को एंजॉय कर रहे हो। क्या बोलती पब्लिक, ये चीज है, ये फीलिंग जो है ना गट फीलिंग थी मुझे कि भाई जरूर लोग आएंगे मिलने के लिए, तो अभी बहुत मजा आ रहा है सीरियसली। और आप लोग कितना मजा आ रहा है, रेगुलरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जैसी मुझे अपना कंटेंट पसंद आता है वैसी मैं ढूंढता हूँ कि भाई का कंटेंट दोबारा भी देखने को मिले क्यों। हाँ। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप रेगुलर रहिए और अच्छे कंटेंट बनाइए। गर्दा उड़ाने के लिए पहुंच गए, अरे नहीं है सीरियसली लिटरली बहुत अच्छा लगा, और कुछ इस तरह से कभी कुछ होता नहीं था यार हम लोग साथ में मिल पाए एक दूसरे से बात कर पाए, हम लोग के साथ पहला ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल इंटरेक्शन है भाई, लिटरली फोटोग्राफी बहुत तगड़ा करता है, आप जाकर के देख सकते हो आप इंस्टाग्राम पेज पे। पर्चे का मोहताज नहीं है, हमारे सफर कुछ ऐसा रहा है दोस्त की बाय प्रोफेशन आई एम अ जर्नलिस्ट, और अब जो है कि वो सब छोड़ छाड़ के एक्स हो गया हूँ, और उसके बाद अब जो है कि फॉर्मर लगा करके ब्लॉगर कहलाता हूँ। क्या है कि जब मैं दिल्ली में पढ़ रहा था तो उस समय बिहार के बारे में जो लोग भी कहते थे पूछते थे लोकेलिटी के बारे में, तो जब आप बताते हैं उनको कि हम बिहार से हैं तो बड़ा वो लोग अंदर से अजीब से उन लोग मतलब रिएक्ट करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी कि मुझे बिहार एक्सप्लोर करने का मन हुआ कि बिहार को भी दिखाया जाए लोगों को। लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ ये चीज़ है, हमारे यहाँ वो चीज़ है, तो उन सब चीज़ों को दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ है, उसलिए मैंने मटर गश्ती शुरू किया। नाम अचानक से आ गया था दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सोचा था विचार किया था उसके बाद नाम देखा था, बस घूमने उमने फिरने का था तो बना दिया मटर गश्ती। लेकिन आप लोगों का जो रिएक्शन था ना वो बहुत ही ज़्यादा मिला, तो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग इतने सारे लोग आए, काफ़ी अच्छा लगा, और लिटरली भाई जो है ना इंडिया बीट जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी कि इस तरह कोई ऑर्गेनाइज किया गया सोशल मीडिया डे के ऊपर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। खून से बिहारी बहे साथ में बिहार, खून से बिहारी बहे साथ में बिहार, खून से बिहारी बहे साथ में बिहार, दे दे गाड़ी हम उन्हीं के देम पीस से उदार। काठे से न पहले सोची पूरा काटी, बेटा छोट छोट टुकड़ा में ऐसे बाटी, बेटा डर मत की लोग निकला आगे बढ़ते जा रहा, मैं पढ़ाई पे है ध्यान नहीं फिर भी देखो गाड़ा मैं, घर वालों से ज्यादा पड़ोसी परेशान है, सिर के खाल पे यहाँ छिप गए किधर दिखे कम कलाकार दिखे ज्यादा भी उसी कर दिखे कैलिबर की कम जिंद पाको फिर ट्रिगर देते हम ठोक के थूक के थूक पे उनके जो बस थूक प्यारी पाप। बहुत ज़बरदस्त लगता है यार जब रैप की बात आती है तो लोग सोचते हैं दिल्ली मुंबई बैंगलोर और व्हाटएवर क्या, लेकिन बिहार में जब इतने ज़बरदस्त रैपर हैं तो फिर हम क्यों क्यों भाई क्यों आखिर क्यों। और दूसरी बात ये कि मैं फर्स्ट टाइम सुना है कि भोजपुरी में भी रैप हो रहा था, ये बहुत बड़ी बात है यार, तो बहुत शुक्रिया आप लोग यार कि एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हो बिहार को। आप एक बार मेंशन कर दीजिए बिहार हिप हॉप के जितने रैपर्स हैं उनको लोग सुने कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ये चांद सा रोशन चेहरा सुल्फों का रंग कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी ना दिल जो आवारा न जाने किस पे आएगा। सभी लोग आए हैं काफी अच्छा लग रहा है, अंकित भी है, सौरभ हमको बहुत अच्छा लग रहा है भैया आपसे मिलके। अरे भैया इतना दिन से प्लान हो रहा था पर आज मिले हैं ना तो बड़ा अच्छा लगा, और मौका भी दिया भैया एक से ज्ञान दिया है, हम भी ज्ञान लिए हैं बहुत
बहुत ज्ञान लेने की कोशिश की है भाई, और आज सोशल मीडिया डे है तो मिलके और भी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अंकित भैया कुछ बोलिए जरा, आप भी बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे गैदरिंग होना चाहिए। हाँ। इसमें क्या होता है, लर्निंग वगैरह ऑनलाइन से ज्यादा सामने सामने से मिलके आप सबके सबसे काफी कुछ शेयर कर सकते हैं, दूसरे बिहार के लोग को जानने का, बिहार के लोग को जानने का ये भी है, क्योंकि पता नहीं होता कौन क्या है कहाँ से है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक इस तरह का मीटअप वगैरह होता रहना चाहिए। और यहाँ पे डॉक्टर है, डॉक्टर साहब कुछ बोल दीजिए आप भी। हाँ यही बोल रहे हैं कि बिहार में ऐसे ही लोग और ग्रो करें, ऐसे ही इतने लोग को बिल्कुल नए नए चैनल स्टार्ट किए हैं, उन लोगों को देख के भी अच्छा लग रहा है कि बाकी लोग भी मोटिवेट हो रहे हैं हम लोग से। हाँ। तो अच्छा लग रहा है। चलिए शुक्रिया टोनी साहब के, पहले चरण स्पर्श करके हम गोल लगे। अरे अरे, और बहुत अच्छा लग रहा टोनी साहब से मिल के, और सबके इतना इतना भीड़, इतना सपोर्ट सबका। तो आज का मीटअप बहुत ही जबरदस्त रहा, कैसा लगा आप लोगों? तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आपको वैसा मिला नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।